अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर कुकिंग। अब आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत मज़ेदार चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है, तो वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन की यखनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें 1 किलो चिकन चाहिए। इसके साथ 4 से 5 छोटे अदरक के टुकड़े और 1 कटा हुआ प्याज और 5 से 6 अदद हमें लहसुन के जवे चाहिए। मसाला जात में हमें 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 2 तेज़पत्ते, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 7 से 8 अदद लौंग, 1 जावित्री का टुकड़ा। इसके साथ हमें 3 बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 1 टीस्पून सौंफ चाहिए। सबसे पहले हमें एक पतीले में तकरीबन 5 गिलास पानी डालेंगे। इसके साथ ही हम चिकन, प्याज, अदरक, लहसुन और साबुत खड़े मसाले डाल के इसे ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तकरीबन 12 से 15 मिनट तक पकाने के बाद हमारी यखनी तैयार है। अब हम चिकन को सेपरेट निकाल लेंगे और यखनी को हम छान के रख लेंगे। पुलाव बनाने के लिए हमें 2 दरमियाने कटे हुए प्याज, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 7 से 8 हरी मिर्चें, इसके साथ हमें 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1/2 कप दही चाहिए। मसाला जात में हमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च चाहिए। इसके साथ हमने 3 गिलास चावल लिए थे। चावल को हमने अच्छी तरह धो के आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। सबसे पहले हम पतीले में 3/4 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होते ही हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम चिकन शामिल करके मज़ीद 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। अब हम मसाला जात और दही शामिल करके मज़ीद चिकन को 5 मिनट तक भून लेंगे। चिकन हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें यखनी और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और ढककर यखनी में उबाल आने देंगे। यखनी में उबाल आ चुका है, अब हम चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद हम चावलों का पानी रिड्यूस होने देंगे। चावलों का पानी अच्छी तरह रिड्यूस हो चुका है। अब हम चावलों को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक दम पर लगा देंगे। तो लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन यखनी पुलाव तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।